मिले, रोगी बढ़िया निकले कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुद्धार का पवित्र देश हमें मिल करके हमें भेजाया हुआ प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में मसीह जीवन हमेशा कालवरी सूलि के मृत्यु को याद करता है। पवित्र लोग जब प्रभु का नया नियम का मंडली अवतार का पहला दिन सबसे अधिक महत्व प्रभुमेश को ही देता था, क्योंकि प्रभुमेश का महत्व आज बहुत लोग नहीं जानते और मेश में शामिल होने के लिए पवित्र लोगों का दिल बहुत तड़पता है, क्योंकि मेश इतना बहुत बड़ा एक मानव प्रभु का प्रेम का उस अगप्पे प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी पेश में जाने से पहले कुछ बात है प्रभु भजन से आपको बताना चाहूँगा। उसके आधार के लिए पहला कुरिंदी 11 अध्याय उसका 23-32 तक का भजन पढ़ेंगे। पहला कुरिंदी 11 अध्याय का 23-32 तक का भजन। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि प्रभु का भजन खास करके ये बातें फिर से पौलुस ने प्रभु से पा करके मंडली को सौंपा। वो बातें इतना महत्वपूर्ण बातें ना, मैंने जो प्रभु से पाया अबे तुम्हें सौंपता हूँ, तो मंडली को सौंपा हुआ इन बातों को सही रीति में जान करके सही रीति में इसका आचरण करना पवित्र भक्तों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसमें इस मेष में खास तीन बात बोलता है। पहली बात क्या है कि ये एक स्मरण का मेष है। क्या बोलता? स्मरण का है ना। जब उसका पहला कर दिया उसका 11-25 बजे पढ़ना। इसी रीति से उसने बियर के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो है ना, मेरा स्मरण के लिए एक किया करो। बहुत बड़ी बात है, मतलब प्रभु का स्मरण के लिए हमारे लिए दिया हुआ मेष है। इसको हमें स्मरण करना कितना जरूरी तो बात है ना। जब प्रभु अपने चेलों के साथ ये बांटने के टाइम पर भी लूका का सुसमाचार और उसका 22 अध्याय का 19 वचन भी उसके साथ पढ़िए। लूका उसका 22 अध्याय का 19 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखा, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो, मेरा स्मरण के लिए ही किया करो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे संबंध में हम स्मरण करने के बारे में अगर सोचेगा तो हमें तीन प्रकार स्मरण करना है। कितना प्रकार? तीन प्रकार स्मरण करना है। एक हमें उदगाल स्मरण, हमें उदगाल स्मरण, उदगाल स्मरण बोलेगा तो मतलब प्रभु ने मेरे लिए क्या किया था, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया था, मेरा उद्धार के लिए मुझको बचाने के लिए मेरा प्रभु क्या बन गया था है ना, ये याद करना जरूरी बात है। जब भी हम मेष के और जब आता है प्रियो, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए,
प्रभु यदि मेरे लिए नहीं मारा होता और वो मृत्यु पर विश्वास करने के लिए अगर मुझे मौका नहीं मिला होता, यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए मारा, लेकिन ये सच्चाई का संदेश अगर हमें तक नहीं पहुंचा तो ये इवन पहुंचने पर भी अगर हमें वो उसमें विश्वास नहीं आया तो आज भी कितने लोगों को वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हम भावियों के लिए आया, हमारे लिए मृत्यु सगा, ये बात कितने लोगों ने सुना, लेकिन वो विश्वास किया नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ना, आज उधार पाए हुआ एक पवित्र लोग ये बात को स्मरण करना है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो मारा और वो मृत्यु पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, मैं कितना भाग्यवान हो गया, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरी मृत्यु का मृत्यु था, है ना, मेरा मृत्यु का मृत्यु करने के लिए यीशु मसीह मृत्यु सहा और हमें जीवित आशा देने के लिए वो मृदों से जी उठा। ये बात को जानेगा तो इसका सच्चा अर्थ, अभी भी हम जितना भी जानते हैं बोलता है, लेकिन हमने हमारे लिए जो प्रभु ने किया उसका एक छोटा अंश भी हमने अभी तक नहीं जाना, है ना। जो जाना हुआ जीवन है वो एक तो एक मतलब एक पागल जैसा जीवन रहेगा, प्रभु का प्यार को कालवरी सूली की प्यार को नहीं जाना लोगों ने, बहुत आजकल का विश्वासी लोग सिर्फ एक नामदारी विश्वासी खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि कितनी प्रकार का मूर्तियों को लेकर के चलता है, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं, उनका प्रभु और कुछ है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता देकर के जीवन नहीं बिताता। हमें परखना है, हमने उधार पाया है तो यीशु मसीह को छोड़ करके वह एकमात्र प्रभु है और किसी को भी ऐसा जगह नहीं देना। तो आज बहुत लोग उनके जीवन में ना कई प्रभु को मानव आराधना करते हुए चलता है, ये सब वो लोग खुद को नहीं परखता, इसलिए धोखा होता है। तो प्रियो, हमें बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा दुख सगा, कष्ट सगा, पाप का मजदूरी मृत्यु हमारे लिए सगा, ये बात माना ये महेश हमें बताता है ना, ये महेश की ओर आता है तो हमें ये बात को याद होना चाहिए, याद करना चाहिए, हमें स्मरण आना चाहिए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया था। और अभी वर्तमान युग के बारे में बात बोलेगा तो अभी भी प्रभु मुझको मेरे लिए बिंदी कर रहा है, मेरे लिए बिंदी कर रहा है ना, अगर मेरे लिए बिंदी नहीं किया होता, मुझे सहायता नहीं पहुंचाया होता, आज मैं यहां पर नहीं आ सकता था। आपको मालूम है प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु को बड़ी अनुग्रह चाहिए, आज बहुत लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह पाने पर भी प्रभु को प्रभुता ना देते हुए अपना मनमानी में, उसका स्वयं उसका प्रभु है, वो अपना मनमानी में चलता, ऐसा जीवन मसीह जीवन नहीं प्रिय, है ना। आज भी यीशु मसीह हमारे में प्रभुता करके यीशु मसीह हमें अनेक दुख मुसीबतों से बचाता है, प्रभु नहीं बचाया तो है ना हम नहीं बचता प्रिय, आज भी प्रभु ने हमको बचाया, आज भी प्रभु ने हमें उड़ाया, है ना, कितना दुखदायी बात है। कई लोग कई समय में बोलता है अब क्यों नहीं कल आया, मैं सो गया था, देखा एक विश्वास ऐसे कर सकता है, है? आप देखो अरे नींद सबको आता है ना, लेकिन लोगों को जिम्मेवारी नहीं, लोगों को जिम्मेवारी नहीं, वो कौन है वो नहीं जानता, वो किसका है वो नहीं जानता, है ना, वो अपनी मनमानी में जीता है, ऐसा लोगों के लिए धोखा होता है। प्रियो, प्रभु सुबह हमें जगाता है, प्रभु सुबह हमें जगाता है, जो प्रभु के लोगों को प्रभु जगाता है, प्रभु जागृत करता है, है ना। तो अपने को परखना है प्रियो, आज हमारे जीवन में सही में आज भी सवेरे कौन जगाया, कितने लोग विश्वास है, या वैसे जग गया, अलार्म लगाया था इसलिए, कई लोगों को अलार्म लगाना पड़ता है, प्रभु जगाया करके कितने लोगों का भाई है, प्रभु सवेरे जगाता है, है ना, प्रभु अपने भक्तों को जगाता है, प्रभु के साथ एक अच्छा एक संबंध बनाए रखना चाहिए, ऐसा नहीं है तो आज भी हम कई प्रकार, आपको मालूम है
हमारे जीवन में मतलब हर रोज कुछ ना कुछ गलती होता है, होता है कि नहीं? Yes. होता है प्रियो। और आप सोचो एक दिन में 10 गलती हो गया, एक दिन में उसमें ज्यादा है, लेकिन मैं कम बोलता ना राउंड फिगर में, समझने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाता है ना। एक दिन में अगर 10 गलती हो गया तो मतलब एक हफ्ता में कितना गलती हो गया? कैलकुलेशन नहीं आता। अरे 70 गलती हो गया ना, 7 दिन है ना। अच्छा आपका हफ्ता में 8 दिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर एक साल में कितना दिन है? फिर एक साल में कितना पाप किया? हाँ देखा, 3,650 पाप। अभी आप देखो है ना, अगर आप एक पाप के लिए आपका शरीर में एक कील लगाएगा तो एक साल का पाप में कितना कील लगाना पड़ेगा? फिर शरीर में कोई जगह रह गया है? लोग ये सारा पाप प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरता है क्या? नहीं करता। तो भी प्रभु ने आज हमको आने दिया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आज भी हमें प्रभु की उपस्थिति में आने दिया। आपको मालूम है हमेशा पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है, तो भी प्रभु हमें आने दे रहा है। इसका मतलब ये कितना बड़ा कृपा है, कितनी लोग ये अनुग्रह को व्यर्थ करता है। कितनी लोग अपनी रोज जीवन में परख करके अपनी कमियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरता है। बहुत लोगों को अपने जीवन को परखने के लिए उनके पास समय नहीं है। इस प्रकार पाप जोड़ते जा रहा है, कितना भयंकर बात है हमारे जीवन में। आपको सबको मालूम है 59:2 में लिखा है प्रभु से हमें दूर करने वाला एक ही बात है, वो पाप है। प्रभु के उपस्थिति में लोग दूर जाने का एकमात्र कारण पाप है। पढ़ना जल्दी। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग कर दिया, क्या अलग कर दिया? तुम्हारा अधर्म या तुम्हारा पाप। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में परखना है। देखिए आज वर्तमान आज इस पुनरुत्थान के दिन में भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, ये भी प्रभु का अनुग्रह से हुआ। हम याद करना चाहिए कि नहीं? प्रभु का इस अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तीसरा बात क्या है, भविष्य में मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा, मेरे लिए आएगा। देखो ये बात सच्ची बात है, एक प्रभु का जन हमेशा इस जीवित आशा के साथ जीता है। कल भी फास्टिंग प्रेयर में मैंने एक बात बताया, फिलिप्पियों 3:20-21 वजह है ना, अनेक पवित्र लोगों को ये बात का पक्का मालूम। किसको? इसका उदार हुआ है ना, फिलिप्पियों का पत्री उसका 3:20-21 हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उदार करता यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जो रहे है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए यहाँ पर तीन बात हमें पक्का मालूम, पक्का। पहली बात, उदार पाए हुआ अनेक लोगों का नागरिक स्वर्ग में। कितने लोग विश्वास है? हाँ, उधार पाया है तो अपना नागरिकता स्वर्ग में है, हम स्वर्ग का नागरिक है। दूसरी बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा। क्या होगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, पक्की बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह एक बार आया था, अभी दोबारा आएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये पक्की बात है। तीसरी बात, हमारे ये देह बदल करके महिमा का शरीर मिलेगा, हमें एक महिमा का शरीर मिलने वाला है, ये बात भी पक्की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शरीर में कोई बीमारी नहीं लगेगा है ना, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भविष्य को देख करके भी आनंद है, प्रभु के लोगों को बहुत बड़ा आनंद है ना। इस मेश में जब हम आचरण करने के लिए आता है तो ये तीनों बात हम याद करता है, एक प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और एक प्रभु आज मेरे लिए क्या कर रहा है,
और तीसरा आप प्रभु मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं, प्रभु मेरे लिए करने जा रहे हैं, प्रभु मेरे लिए आएगा, है ना। तब इस मेष में जब हम जाता है तो इस मेष में ये एक मेष किसके लिए दिया है, स्मरण का है, साथ ही साथ एक संगति का मेष है, संगति का मेष है ना। जब पहला कुरिंदी दस अध्याय का 16 वचन, धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, सौभागिता क्या है, एक सौभागिता का मेष है, प्रभु के साथ का सौभागिता, साथ ही साथ पवित्र लोगों की आपस का सौभागिता। हम लोग प्रभु के साथ और पवित्र लोग मिल करके एक सौभागिता करने वाला मेष है करके ये मेष बोलता है। इसका मतलब ये मेष में भाग लेने वाला कितने धन्य लोग है, वो प्रभु के साथ का भी सौभागिता कर रहा है और प्रभु के लोगों के साथ का भी सौभागिता करता है ना। ये बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ ये एक मेष एक और एक गहरी बात बताता है हमारे में क्या है कि ये एक वाचा का मेष है। क्या है, वाचा का मेष है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 26 28, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है, मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रियो ये नया नियम की वाचा का लहू का उस याद आ इसके लिए प्रभु ने भी दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है, पुराना नियम भी लहू की वाचा से हुआ था, नया नियम भी लहू की वाचा से है, परंतु इसमें कितना अंदर है ना। ये कोई भेड़ बकरी के लहू नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का खुद का उस पवित्र लहू है। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु मेष में जब हम आता है तो ये मेष हमको ये भी बात बताता है कि सिर्फ एक सौभाग्यता ही नहीं, उसे बढ़कर के इसमें हमें वाचा का सौभाग्यता भी है ना। मैं भी मेरे जीवन में प्रभु के साथ का वाचा बांधा हुआ व्यक्ति है, ये बात भी ये मेष में शामिल होने वाले लोग गवाही देता है। मेरा भी जीवन प्रभु के साथ मैंने भी वाचा बांधा। क्या वाचा बांधा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु है, है ना। आगे मेरे जीवन मेरे लिए नहीं आपके लिए, है ना। ये वाचा हमने प्रभु के लिए प्रभु के साथ बांधा है। लेकिन जैसे अभी शादी होने के टाइम पर लोग बोलता है एक दूसरे को वचन देता है, वायदा देता है ना, जीवन भर मैं जरा देखभाल करेगा, सेवा करेगा, अधीन देगा, ये सब बोलेगा। शादी होकर के कुछ दिन के बाद में कोई अधीन भी नहीं है, कोई प्रेम भी नहीं, सब भूल गया। वो तो उधर ही शादी के लिए बोला था, जीवन भर के लिए नहीं बोला था। ऐसा बहुत लोगों के जीवन है, इसलिए पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, शादी करने से पहले उसका तैयारी करना चाहिए ना। अभी किसका शादी होगा ना, मैं 2 हफ्ता उनका क्लास लूंगा क्योंकि ऐसा समझाना पड़ता है, क्योंकि मतलब कितनी बार कितनी लोग कितना कितनी बड़ी समस्या खड़ा करता है। प्रियो ऐसे नहीं होना, ऐसा नहीं होना प्रियो, है ना। शादी होने के बाद में पत्नी पति का घर छोड़कर जाने वाला सवाल ही नहीं, मार गया तो भी उस घर में मरना। हाँ, कौन बोला भागने के लिए, शादी क्यों किया, ये कोई तमाशा है क्या। बहुत लोगों को बहुत बातें प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम नहीं, प्रभु का भय नहीं, फिर प्रभु के दासों के ऊपर दोष लगाएगा, कोई फायदा है क्या, नहीं है ना प्रियो। आपका गिलती आप दूसरे के ऊपर, वो तो आधा भी स्वभाव है, ऐसा नहीं करना। हर एक बातों में बाइबल में वचन में क्लियर व्यवस्था है, है ना। इसलिए अभी उधर नहीं जाएंगे, प्रभु मेष में जाएंगे। इसलिए बात क्या है कि अपने जीवन में प्रभु मेष के समय में भी एक बात याद रखना, अपनी आप और किसी का नहीं बनना, आप प्रभु का बनकर जीना, प्रभु का बनकर रहना, क्योंकि ये मेष ऐसा एक कच्चा कोई ऐसा हल्का मेष भी नहीं, है ना। आपको मालूम है ये मेष प्रभु का मेष है, ये मेष मानव कौन इसका स्थापना किया, मेरा प्रभु ने खुद स्थापना किया, है ना। मतलब और इसमें उसका पहला सेवक ही प्रभु ने खुद किया, है ना। इसलिए प्रभु दास बोलता है कि मतलब वो पापा से एक बार पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ना, क्योंकि यह बात मुझे
से प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। देखा यह काम कौन किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने स्वयं किया। यस। प्रभु ने खुद किया। प्रियो ये बहुत इसके इसका मतलब क्या है कि इसका बहुत गौरव है। प्रभु ने इसे बता दिया तुम लोग करो ऐसे नहीं, अगले इसका स्थापना प्रभु ने किया और इसका ओपनिंग मतलब शुरुआत वो भी प्रभु ने किया। प्रेज लॉर्ड। इसका बहुत गौरव है प्रियो, बहुत गौरव है। अब लोग इस बात को थोड़ा अच्छी तरफ जानना प्रियो, हम लोग इस मैच को हल्का ना सोचे है ना। और इस मैच का वापस को उसका 11:25 इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसको हम लोग क्यों इसका आचरण करता? प्रभु का स्मरण के लिए। अभी हमने देखा ना प्रभु का स्मरण के लिए, प्रभु यीशु मसीह का स्मरण के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, जब भी हमें इस मेज में भाग लेने के समय में है ना रोटी तोड़ता है और दाखरस में से पीता है, हमें याद रखना है हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया है ना। इसमें भाग लेने वाला हरेक व्यक्ति ये जानना चाहिए, यदि प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए नहीं तोड़ा जाता, प्रभु का लहू मेरे लिए नहीं बहाया जाता, आज ये आनंद आशा शांति जो भी मैं अनुभव करता हूं ये कभी भी इसका वारिस में नहीं बन सकता था है ना। प्रियो ये बात को स्मरण करके ये मैच में हमें शामिल होना है। इतना नहीं आपको मालूम है ये मैच में ये कभी कभी साल में एक बार करने के लिए दिया क्या? नहीं नहीं, नहीं प्रियो प्रेरित लोगों का समय में आपको मालूम है प्रेरित लोगों का उसका 20:7 में हम देखते हैं कि वो हफ्ता का पहला दिन है जैसे आज हम इकट्ठा हुआ है। और तो बड़ी उसको के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, देखा हम हफ्ते के पहले दिन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रियो प्रभु का मेज का है ना। इस मेज के बारे में हमें कितनों भी बताए तो भी कम है प्रियो, प्रभु का उस अगपे प्यार कालवरी सूली में प्रभु ने प्रकट किया वो प्यार इतना गहरा है प्रियो, हमें वो प्यार को जानना और वो प्यार में बना रहना हमारे कर्तव्य है ना। ये मैच में आने के समय में भी कई बार लोग अपने जीवन में परखता नहीं प्रभु से मैंने कितना बड़ा प्यार पाया, प्रियो हमारा क्या योग्यता है कि हमारा उद्धार हो गया है, हमारे भी कुछ भी भलाई था क्या? नहीं है ना प्रियो है, कुछ भी भलाई ना होते हुए प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, ऐसा है तो हम कितना आभार होना चाहिए ना, प्रभु को कितना हमें महिमा देना चाहिए प्रियो, हम वो महिमा दे पाता है क्या? ये बात को हमें मैंने सोचना है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि हमें ये वेश कब तक करना है? प्रभु जब तक नहीं आता उसका 26 पढ़ना। जब कभी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, जब तक वह न आए देखा प्रभु जब तक नहीं आता तब तक प्रभु का मंडली प्रभु के लोग ये करना जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है नया नियम का मंडली को दिया हुआ परमेश्वर का बल दो कर्म की बात, एक बपतिस्मा है वो जिंदगी में एक ही बार है और प्रभु में से ये प्रभु का आगमन तक है, ये दोनों प्रभु के लोगों के लिए बहुत बड़ा माना जिम्मेवारी है, इसमें हमें कभी भी रुकावट आने नहीं देना चाहिए है? बहुत बड़ी बात है प्रभु अपने जीवन में परखना है कि मेरे जीवन में मैं प्रभु के आगमन तक ये करने में सच में एक सच्चा तैयारी के साथ इसमें भाग लेता है क्या? क्योंकि आगे वजन में जब हमें इसमें भाग लेता है तो भाग लेने वाला ध्यान देने वाली बात उसका 27-28 वजन में एक शक्ति चेतावनी हम देखता है। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखा कितना सत्य चेतावनी है प्रियो है ना। आज कितने लोग सचमुच में
आज भी मुझे प्रभु का वेश में शामिल होना है, मैं उसके लिए योग्य है क्या? मेरे जीवन में मतलब पिछले दिनों में प्रभु को प्रसन्न करके मैंने जीवन बिताया है कि नहीं, मुझे आप यह बात बताना नहीं, आप थोड़ा सोचने के लिए बोल रहा हूं। आपने कभी जिंदगी में एक दिन भी कभी सोने के लिए जाने से पहले बिस्तर में रहते हुए एक दिन भी कभी सोचा क्या आज के दिन मैंने प्रभु को प्रसन्न किया क्या? कभी सोचा है क्या? आप अपने आप को पूछो, आज के दिन मैंने प्रभु को प्रसन्न करके जिया क्या? क्योंकि प्रभु को किस रीति में प्रसन्न करना है आपको सबको मालूम, लेकिन मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया क्या? सोने के लिए जाने से पहले मेरे जीवन में कितनी गलती हुआ, वो गलतियों को मैंने प्रभु के सामने कबूल करके मेल खाया क्या? कई लोग एकदम लापरवाही का जीवन बिताता है और छह दिन अपनी मनमानी भी जी करके सातवां दिन आकर के मेज में हाथ बढ़ाता है। आप क्या खाता पीता पियो? अभी हमने जो पढ़ा वो वजन के अनुसार आप क्या खा रहे पी रहे? छह दिन आपने मनमानी में जीवन बिताया और सातवां दिन आकर के एक झूठा गवाही के साथ अपने आप को ना परखते हुए प्रभु में शामिल होने से आप स्वर्ग जाएगा करके वचन नहीं बोलता। प्रभु में शामिल होने से आपको कुछ पाप का क्षमा मिलेगा ऐसे नहीं बोलता। ये प्रभु में कौन कैसे शामिल होना क्लियर बताया और वो योगी दीदी में हम नहीं मतलब हाथ बढ़ाता तो वो दंड को खाता और पीता है। देखो आज कितने लोग हैं अयोग्य निधि में भी प्रभु में शामिल होता है, इसलिए कई लोगों को मैं आपको बोलता हूं उनका आराधना तक प्रभु बंद कर देता है क्योंकि आराधना में जा ऐसे या पहला अध्याय पढ़कर देखो ना, अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं। प्रभु बोलता है कि तुम्हारा मतलब मुझे भक्ति नहीं चाहिए है। देखो प्रियो मनमानी में जीते हुए प्रभु को अर्पण करने के लिए आएगा तो प्रभु उसको स्वीकारेगा क्या? नहीं स्वीकारेगा, है ना। आज हमारे दिल क्या गवाही देता है? सही में प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का प्रभु होकर के हमारे जीवन में काम करता है क्या? हमारे जीवन में आया हुआ गलती प्रभु के सामने कबूल करके मेल खाया क्या? ऐसा नहीं है तो प्रियो बहुत दुख की बात है। कई बार लोग क्या करता, प्रभु मेरे से जो भी कुछ गलती हो गया तो क्षमा कर लेना, मतलब प्रभु को प्रभु परखना फिर क्षमा भी दे देना, होता है क्या? नहीं होता कि ऐसा बाइबल नहीं सिखाता। हमारे जीवन में हरेक प्रभु में आने के बाद का हरेक छोटा हो बड़ा हो हरेक पाप को एक एक को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिर में, नहीं तो वो पाप आपके ऊपर लेगा। इसलिए बहुत लोग प्रभु के उपस्थित में आने के टाइम पर भी हम देखते हैं कि वो सच्चा उद्धार के आनंद में नहीं है, है? कितना दुख भरा बात है भी। आप ऐसा भक्ति करेगा तो क्या स्वर्ग प्रसन्न हो जाएंगे? है दुखदायी बात है। हरेक लोग अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, मेरे जीवन में जो भी कुछ गलती होता है तो मैं प्रभु के सामने कबूल करके पछताव करता है क्या? उसको मानता है और छोड़ता है ऐसा अनुभव मेरा है क्या? क्योंकि नीति वजन 28 अध्याय का 13 वजन बहुत आपको याद है ना, किसको प्रभु का दया मिलता है? मान लेता और छोड़ भी देता है, मान लेता और छोड़ भी देता है, देखा उस पर दया की जाएगा है। मानना भी है छोड़ना भी है। कई बार लोग क्या सोचता है मतलब पहला योग ना पहला देकर ना वो जन्म में छोड़ने की बात नहीं कहा ना, इसलिए मान लेता है
हाँ बहुत लोग भजन को बहुत अच्छा मानता है, भजन में जितना बोला उतना में रुक जाता है, आगे का नहीं बढ़ता। कैसे करना चाहिए? पहला अध्याय पहला योगना पहला अध्याय के नौ वचन में क्या लिखा? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो छोड़ने के लिए नहीं बोला ना? हाँ, तो इसलिए इसलिए नहीं छोड़ेंगे, मान लेंगे, क्षमा मिलेगा नहीं। इतना बड़ी बात है, जैसा अभी कई जगह पर अभी लिखा है ना, उन लोग अब तक का पहला दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ, तो आकर्ष नहीं था रोटी तोड़ने से, कहा भी वहां पर लिखा रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ था। देखा है भोजन में बहुत पक्का है, ऐसा नहीं भाई। और हम सही प्रकार प्रभु का भजन में बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो दुखदायक बात है ना। इसलिए आज भी प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है, हमें परखना है प्रिय। ये तो नहीं है कि हम मानव जैसे कोई बाजार जाता है, उड़ करके एकदम रेडी होकर के आ गया और बिना तैयारी का अपन हाथ बढ़ाए, नहीं प्रियो, हमें पक्का तैयारी चाहिए। एक सही तैयारी के साथ अपने आप को जांचते हुए परखते हुए हमें मैच में शामिल होना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आज जरूर अपने जीवन को जरूर परखना, जांचना। पिछले दिनों में मैंने प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु में रह करके आत्मा का अगुवाई में चलते हुए प्रभु का महिमा किया है कि नहीं? मैं जी रहा था या मुझ में प्रभु यीशु मसीह जी रहा था? और यीशु मसीह मुझ में जी रहा था करके जिसको गवाही है, ऐसे लोग शामिल होना प्रियो, ऐसे लोग शामिल होना। आपको जीने के लिए प्रभु में आने के बाद में अनुमति है ही नहीं, आप में मसीह जीना चाहिए, उसके लिए जिन्हें भी पात्र है आप उधार पाए, वह हरेक लोग स्वर्ग का नागरिक है, वो स्वर्ग का योग्य जीवन बिताएगा, प्रभु का योग्य जीवन बिताएगा, मसीह का पत्र बनकर के जीवन बिताएगा। इसलिए अनेक पवित्र लोग अपने आप को जांचो परखो, पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है ये बात को सुनो और इसके बाद में योग्य रीति में हाथ बढ़ाओ तो वो अच्छा है, प्रभु का महिमा होगा, आपके लिए भी वो आज का कारण रहेगा, नहीं तो वो एकदम दुखदायक बात बन सकता है। इसलिए कई लोग बीमार गिरता है, कई लोगों का अचानक मृत्यु भी आ जाता है, ऐसा कोई वादा ना आने के लिए अपने आप को अच्छी तरह परख करके जांच करके योग्य रीति में हाथ बढ़ाने के लिए सुनने वाले हर एक पवित्र लोगों को प्रभु सादा करे, प्रभु को सारी महिमा, आमीन।